प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। गाजीपुर में सामूहिक विवाह समारोह का हुआ आयोजन, 342 जोड़ों का विवाह हुआ संपन्न। लखनऊ में नगर निगम चुनाव का बजा बिगुल, मैदान में उतरे प्रत्याशी। हरदोई में दबंगों ने की दो बेटियों से मारपीट, पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। कासगंज में पुलिस को मिली सफलता, एक शातिर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हरदोई में जीएसटी की छापेमारी, कई घंटों तक बंद रहा कस्बे का बाजार। ईशा भार्गव और आप देख रहे हैं प्राइम उत्तर प्रदेश। तो शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। लखनऊ में नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है, जिसको लेकर तमाम प्रत्याशी मैदान में उतर गए हैं। एक तरफ नगर निकाय का चुनाव है, तो वहीं अनेकों अनेक प्रत्याशी के वार्डों का हाल बद से बदतर है। साथ ही क्षेत्रीय जनता अपने क्षेत्र की साफ सफाई को लेकर बेहद परेशान है। लखनऊ के अंदर नगर निगम चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर आज हम क्षेत्र की जनता से बात करने निकले हैं। 98 वार्ड नंबर 98 में आज हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे कि यहाँ पर किस तरीके की व्यवस्था है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद जुआब अली। यहाँ पे किस तरीके की व्यवस्था है, साफ सफाई होती है? नगर निगम यहाँ कुछ नहीं कर रही है भाई साहब। इतनी बीमारी चल रही है, डेंगू चल रहा है, इतना यहाँ पे इतनी गंदगी है, यहाँ पे आपको हम बता नहीं सकते। यहाँ का माहौल बहुत खराब चल रहा है। ये क्षेत्र पूरा हमारा जो है ये 98 वार्ड हो गया है पूरा, नजरबाग और आपका सानियाल रोड भी। यहाँ पे कोई काम नहीं नगर निगम कर रही। नगर निगम सिर्फ आती है और बस गाड़ी आएगी, रुकेगी, चली जाएगी, कोई सफाई नहीं करती है यहाँ पे। आपने शिकायत कही किसी से? शिकायत बहुत कर चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। फिर नगर निगम में कोई कुछ कर ही नहीं रहा है, इस सरकार में कोई काम नहीं हो रहा है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। बताओ। नहीं, कोई सफाई नहीं हो रही है। सफाई नहीं हो रही है। डेंगू चल रहा है लगातार देखने को मिला है, उसको लेकर फॉगिंग वगैरह होती है? बहुत सी चीजें होती हैं भाई यहाँ पे, तो फॉगिंग और देखिए डैक्स वैक्स कितनी यहाँ पे गंदगी, सफाई नहीं है कोई, कहाँ से सफाई करा दी जाए। तो ये थे हमारे साथ वार्ड के कुछ लोग, जिन्होंने साफ तौर पर बताया है कि नगर निगम यहाँ पर नहीं आती है, साफ सफाई नहीं होती है, डेंगू का प्रकोप लगातार फैला हुआ है, जिसको लेकर नगर निगम यहाँ पर नहीं आती है। लखनऊ से प्राइम टीवी के लिए मोहम्मद उवैस। गाजीपुर में सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत कार्यक्रम में 342 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। ये कार्यक्रम शहर के गोरा बाजार के पास नवीन स्टेडियम में संपन्न हुआ। इस मौके पर प्रशासनिक अफसर मौजूद रहे। इस दौरान लाभार्थियों और उनके परिजनों में खुशी और उत्साह का माहौल नजर आया। जीएसटी विभाग की टीम ने सदर बाजार, डाकघर संचालित दुकानों में छापेमारी की। व्यापारी वर्ग ने जीएसटी विभाग की टीम का विरोध किया और बाजार को कई घंटों तक बंद रखा। व्यापारियों के प्रदर्शन की सूचना पर पहुंचे सदर भाजपा विधायक सूची चौधरी और उनके पति ने प्रदर्शन कर रहे व्यापारियों से बातचीत की, व्यापारियों के उत्पीड़न रोकने का आश्वासन भी दिया। बाजार को दोबारा से खुलवाया। विधायक पति मौसम चौधरी ने बताया कि सरकार के बनाए हुए नियम के तहत व्यापारी कार्य करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि व्यापारियों के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार और उत्पीड़न निंदनीय है। जो सरकार के बनाए हुए नियम कानून हैं, उनका पालन करना सब व्यापारी लोग चाहते हैं। व्यापारियों का कहना इतना है, जब सुबह सूचना प्राप्त हुई पूरा बाजार बंद था, कर्फ्यू जैसा यहाँ माहौल था, व्यापारियों ने हमारे विश्वास पर ये बाजार खोला है। और जो जीएसटी की टीम यहाँ पर जिस तरीके का आकर अमानवीय व्यवहार कर रही है, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर रही है,
उनके खाते इस तरीके से फेंक रही है, उनकी किताबें उठा के फेंक रहे हैं, कागज देखना नहीं चाह रहे हैं, उन पर टेरर कायम करना चाह रहे हैं। वो जिस तरीके से कार्यशैली उनकी है वो बहुत निंदनीय है। आज बाजार का बंद होना, मुख्य बाजार का, पूरे सिविल लाइन का, ये इनके कृत को शोभित करता है। किस कृत से आप कार्रवाई क्या चाह रहे हैं, किस तरीके से करना चाह रहे हैं आप? हरदोई में जीएसटी विभाग ने छापेमारी की। सूचना मिलते ही नगर कछौना में दहशत फैल गई। छापेमारी की आशंका के चलते नगर के बाजार बंद हो गए। इस दौरान व्यापारियों में अफरा तफरी का माहौल बना रहा और बाजार में सन्नाटा छाया रहा। जीएसटी के अधिकारी लगातार जनपद भर में छापेमारी कर कार्रवाई कर रहे हैं। आपको बता दें कि चोरी रोकने और पंजीकरण बढ़ाने के लिए कई जगह जीएसटी छापेमारी कर रही है। हरदोई में टड़ियावा इलाके में मारपीट का मामला सामने आया है। दबंगों ने एक परिवार की दो बेटियों को पीटा है। ये घटना तब हुई जब दोनों किशोरी शौच के लिए तालाब गई थी। वहीं दबंगों ने दोनों किशोरियों को पकड़कर पीट दिया। पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की, लेकिन कार्रवाई ना होने पर एसपी ने से शिकायत की है। दबंगों पर पूर्व में पीड़ित की एक अन्य बेटी से दुष्कर्म के साथ हत्या करने का भी आरोप है। लड़की हमारी मार डाली गई थाने तेरे छोड़ी दो ना बीसन दो इस प्रकार से बता चुके हैं ना मंजू छोड़ देते थाने तेरे। अब तो लड़की हमारी मार डाली गई भैया हमारी, अब कोई सुनवाई नहीं होती भैया हमारी है। और दोबारा लड़की हमारी दो लड़की मारी पीटी जाती हैं खूब और गलत काम करे जा लड़की साथ में। यहाँ कासगंज में थाना गंज डुंडवारा में पुलिस को सफलता मिली है। अपर पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार दुबे के पर्यवेक्षण में जनपद के सभी थानों में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में पुलिस ने एक शातिर युवक को गिरफ्तार किया। युवक के पास से पुलिस ने अवैध देसी तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। खबर गाजियाबाद से है, जहां एक होटल में ऑस्ट्रेलिया के 9 साल के मासूम बच्चे के साथ कुछ लोगों ने कुकर्म करने का प्रयास किया। विदेशी परिवार होटल में शादी पार्टी में शामिल होने आए थे, जहां होटल के बाथरूम में बच्चे के साथ कुकर्म करने का प्रयास किया गया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कानपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में शीशम के पेड़ पर दुपट्टे के सहारे किशोरी का शव लटकता मिला, तो वहीं एक दिन पहले लापता किशोरी के शव मिलने से गांव में सनसनी फैल गई है। मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच पड़ताल में जुट गई है, तो वहीं जिले की एसपी ने घटनास्थल का मुआयना किया और परिजनों को कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पूरा मामला थाना बरौर क्षेत्र का है। शाम को गायब हो गई थी, फिर आज खेतों में मिली है लड़की फांसी पे। फिर हम तो फिर हमें नहीं, फिर हमें पता ही नहीं, घर भी है थाने में तो कहा जा रहे। हम लोग गए थे साहब कोट रहे थे, तो उनके नीलू नाम का लड़का है, शिव कुमार के लड़का, वो आया था तो कह रहा, बुला रहा था, तो हमने को ना जाओ सालू, तो कह ना लगा कि अभी आ रही, रुक जाओ थोड़ी देर, तो हम रुके रहे, फिर बुलाते रहे तो सुने नहीं, कह रहे चलो तुम हमारा है। प्राथमिक बरौर थाने में कि एक 15 वर्षीय लड़की का शव बरौर कस्बे के बाहर ही खेतों में शीशम के पेड़ से लटकता हुआ पाया गया है और परिजनों के सूचना के आधार पर बरौर पुलिस मौके पर पहुंची वहां पे और फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया गया और जांच पड़ताल कराई गई। परिजनों से तहरीर प्राप्त करके नियमानुसार सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करके आवश्यक कार्रवाई कराई गई। मथुरा की चर्चित नाबालिग पीड़िता की बलात्कार के बाद हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश और विशेष न्यायाधीश ने आरोपी पर दोष सिद्ध कर फांसी और 45,000 की अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस केस की सरकार की ओर से पैरवी कर रही स्पेशल डीजीसी पॉक्सो कोर्ट श्रीमती अलका उपमन्यु एडवोकेट ने बताया कि पीड़िता की मां ने थाने पर रिपोर्ट दर्ज की थी। शाम को जैंत निवासी सतीश पुत्र बुद्धाराम उनकी 10 वर्षीय बेटी को घुमाने के बहाने ले गया, जिसके बाद बेटी की दुष्कर्म के बाद हत्या कर शव को
पीएमबी पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास जंगल में फेंक दिया, जिसे पुलिस ने बरामद किया था। इसकी सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश और विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट विपिन कुमार की अदालत में हुई। कोर्ट ने मुकदमे में गवाही और सबूतों के आधार पर अभियुक्त को दोषी माना है। आज न्याय मिला है, अच्छा न्याय मिला है। सदन ने आपको सदन ने न्याय दोबारा बढ़िया कर दिया। बहुत जल्दी फैसला हुआ हमारे साथ, पूरा इंसाफ मिला हमको। हमें हुसैन साहब बल्ली साहब की वजह से उन्होंने भागदौड़ करी, मैंने भी नहीं करी और उन्होंने भी करी साहब। इतनी जल्दी हमें फंसा नहीं जाएगा, हमें इतनी जल्दी मिल जाएगा इंसाफ। हमारे लिए बहुत जल्दी इंसाफ मिला है। के अंतर्गत था, उसमें हमारी जज साहब ने फैसला दिया है, फांसी की सजा सुनाई है, जिसमें हमारी पूरी टीम, जिसमें हमारे कोर्ट हमारे पूर्व सरकारी अधिवक्ता, हमारे भाई ये अनवर भाई है, हमारे पेशगार साहब, सब लोगों ने मिलकर मेहनत करी, जिसमें आज ये जजमेंट आया। नगर निकाय चुनाव की चुनाव से पहले अग्रसेन महिला महाविद्यालय में भाजपा नेताओं ने बैठक की। कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर बैठक का शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि क्षेत्रीय उपाध्याय साकेत सिंह सोनू ने नगर पालिका अध्यक्ष के साथ सभी वार्डों में कमल खिलाने का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्याशी कोई भी हो, केवल कमल का फूल याद रखना है और सभी 25 वार्डों और अध्यक्ष पद पर कमल खिलाना है। उपस्थित पदाधिकारियों को गुजरात चुनाव की जीत पर बधाई दी गई। बैठक में प्रदेश महामंत्री किसान मोर्चा धनश्याम पटेल, सचिवानंद सिंह, अवनीश मिश्रा, चंडिका नंदन सिंह, सभी वार्डों के प्रभारी और पदाधिकारी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। नगर पालिका आजमगढ़ के चुनाव के निहित ये हमारी अपनी कामकाजी बैठक थी, जिसमें जो भी जिसके पास हमारी वार्ड स्तर पर जिम्मेदारियां हैं, नगर में जिसके पास जिम्मेदारियां हैं और चुनाव हम किस तरह से लड़के जीतेंगे अपने वार्डों में, इन सारी तैयारियों का जो है तैयारी बैठक थी। उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।